तो दोस्तों आज हम भिंडी और भिंडी का भरता बनाएंगे। भिंडी को सबसे पहले अच्छे से सेकेंगे गैस पर। आप तो सेगड़ी वगैरह हो या चूल्हे हो उस पर सेक सकते तो और ही अच्छा स्वाद आएगा। और ये टमाटर को भिंडी को अच्छे से सेक लेंगे और उनको छील ठंडा होने के लिए रख देंगे। हेलो दोस्तों जी, मैंने देखो प्याज और धनिया और जीरा ले लिया है। अब इनको मैं सबको पीस लूँगी। सिलबट्टे पे तो आप बना सकते हो, चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है, इतनी टेस्टी लगती है कि आप लोग ज़रूर बना के देखना। इसको पहले मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर है वो भी छील लूँगी। ये टमाटर को भी इसमें छील के और इसको भी पीस लूँगी। बहुत टेस्टी, इतनी टेस्टी बनी है कि आपके मुँह में अगर देख के पानी नहीं आ गया तो हमारी गारंटी है कि आप बनाने का मन करेगा कि अभी जाके बनाओ। ये टमाटर भी पीस लिया मैंने चटनी में मिक्स कर, और जो भिंडी को मैंने अच्छे से भूजा था या सेका था उसको भी मैं इसी में मिला लूँगी। आप देख सकते हो मैंने काट लिया है छोटा छोटा, इसलिए क्योंकि वो जल्दी पिस जाएगा और मुंह में रेसे जैसे नहीं आएंगे काटने से, नहीं तो मुंह में धागे रेसे बने रहेंगे तो वो मुंह में आएंगे अच्छे से। और ज़्यादा नहीं पीसना, हल्का हल्का पीसना, थोड़ा मोटा रहेगा ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी है। और पीस के अच्छे से मैंने एक बाउल में निकाल लूँगी। अभी देखो मिक्स कर लिया। आप चाहो इसमें नींबू, चाट मसाला, जो थोड़ा सा मसाला, और बिगर ऑयल का, विदाउट ऑयल का, जो लोग को तेल नहीं खाना। और आप देख सकते हो कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा बना है। आप लोग भी बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।